हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो पोएट है वो है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग वॉज एन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट। तो ये इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट और नॉवेलिस्ट थे। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड जंगल बुक एंड किम। इनके जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं वो है जंगल बुक एंड किम। जंगल बुक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस स्टोरी है। इन दिस पोएम द पोएट कन्वेज हिज आइडियाज अबाउट इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप टू इंस्पायर रीडर्स टू डील प्रॉपरली विद हार्डशिप्स इन लाइफ। तो इस पोएम में पोएट जो है वो अपने इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदारी और लीडरशिप के आइडियाज को कन्वे कर रहे हैं टू इंस्पायर रीडर्स, ताकि वो अपने रीडर्स को इंस्पायर कर सके टू डील प्रॉपरली विथ हार्डशिप्स इन लाइफ, सो दैट जिंदगी में जो हार्डशिप्स आती हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो कठिन वक्त आता है, उन कठिन वक्त को अच्छी तरह से प्रॉपर तरह से डील कर सके। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम में एक पिता हैं जो कि अपने बेटे को लाइफ लेसन दे रहे हैं। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि इफ यू कैन कीप योर हेड मीन्स अगर तुम अपने दिमाग को शांत रख सको उस वक्त जब तुम्हारे आसपास के जो बाकी लोग हैं वो अपना आपा खो रहे हैं और इस चीज के लिए वो तुमको ब्लेम कर रहे हैं, तो अगर ऐसे वक्त में तुम अपने दिमाग को शांत रख सको। If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. और अगर तुम खुद पर ट्रस्ट कर सकते हो, खुद पर भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो उस वक्त जब सब लोग तुम पर डाउट कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ तुमको उनके डाउट को भी अलाउ करना है। मीन्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर लोग तुम पर डाउट कर रहे हैं तो वो डाउट सही भी हो। If you can wait and not be tired by waiting, और being lied about, don't deal in lies. इन lines में poet कहते हैं कि अगर तुम wait कर सकते हो और wait करते करते अगर तुम थकते नहीं हो, और being lied about, और अगर तुम्हारे बारे में झूठ बोला जा रहा है, don't deal in lies, तो भी तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ में deal मत करो। और being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. और अगर तुमसे नफरत की जा रही है, लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, तुम्हें हेट कर रहे हैं, तो इसके बदले में तुम हेट मत दो किसी को, तुम दूसरों से नफरत मत करो। एंड येट डोंट लुक टू गुड, और इसके साथ साथ तुम बहुत ज्यादा अच्छे भी मत दिखो और बहुत ज्यादा बुद्धिमानी वाली बातें भी मत करो। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं अगर तुम सपने देख सकते हो तो तुम अपने सपनों को ही अपना मास्टर मत बना लो, मीन्स सिर्फ सपने ही मत देखते रहो, उनको सच भी बनाओ। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर तुम सोच सकते हो तो सोचना ही अपना मकसद मत बना लो, अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही मत बना लो कि तुमको बस सोचते ही रहना है। अगर तुम कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो तो उसे एक्शन में भी लाओ, उस काम को करके भी दिखाओ। If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Imposters means people who pretend to be someone else especially for self gain. वैसे लोग जो कि किसी और की तरह दिखने का बनने का pretend करते हैं, नाटक करते हैं, किस लिए? Self gain के लिए। Triumph means जीत and disaster means बर्बादी या हार। तो इन lines में poet कहते हैं कि अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हें जीत मिलती है तो तुम्हें उस जीत पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीत मिली है तो हो सकता है कि आगे हार भी मिल जाए, और अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हें किसी चीज में हार मिल जाती है तो तुम्हें उस डिजास्टर से बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हार मिली है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जीत भी मिलेगी। तो इन लाइन्स में बेसिकली पोएट ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे लाइफ में ट्रियम्फ भी आता है या फिर डिजास्टर्स भी आता है तो तुमको उन दोनों चीजों को बिल्कुल सेम तरह से ट्रीट करनी चाहिए, अपने जीत पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और ना ही अपने डिजास्टर्स पर, अपनी हार पर बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। नेव्स मींस डिसऑनेस्ट मैन, बेईमान लोग। इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि
अगर तुम अपने द्वारा बोली गई सच बातों को सुन सकते हो, उसे सह सकते हो, वैसी बातें जो कि तुम्हारे द्वारा बोली गई हैं, लेकिन जो डिसऑनेस्ट मेन हैं, जो कि बेईमान लोग हैं, वो तुम्हारे द्वारा बोली गई सच बातों को भी ट्विस्ट करके, तोड़ मड़ोड़ के, अलग तरह से उसके मायने निकालकर लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो अगर तुम अपनी इन सब बातों को, अपने इन सब बोली गई बातों को सुन सकते हो और सह सकते हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स। और आगे पोएट कहते हैं कि अगर वो काम जो काम करने में तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तुमने अपना सब कुछ उस काम को दे दिया, और अगर वो चीज टूट जाए या फिर बर्बाद हो जाए, और ऐसा होने के बाद अगर तुम फिर से दोबारा से उसे अपने वॉर्न आउट टूल से दोबारा से बनाने की कोशिश करो, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम अगर तुम कुछ बनाओ तो उसमें जो तुम्हारा एंथुजियाज्म है, तुम्हारा जो जज्बा है, तुम्हारे जो टूल्स हैं, वो सब बिल्कुल फ्रेश होते हैं। लेकिन अगर एक बार फर्स्ट टाइम बनाने के बाद वो चीज बर्बाद हो जाती है, टूट जाती है, और अगर तुम दोबारा से उसे बनाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा जो टूल्स है, तुम्हारा जो जज्बा है, वो सब बिल्कुल फ्रेश नहीं रहता। तो ऐसा होने पे भी तुम अपने वॉर्न आउट टूल से दोबारा से उस चीज को बनाओ। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. Pitch and toss means a game in which players toss a coin at a mark. एक तरह का गेम होता है pitch and toss, जिसमें players जो हैं वो एक coin से toss करते हैं। तो इन lines में poet कहते हैं कि अगर तू अपने सारे विनिंग्स को, अपनी सारी जीत को, अपने सारे अचीवमेंट्स को इकट्ठा कर लो और उन सभी चीजों को एक पिच एंड टॉस पे रिस्क कर दो, एक टॉस पर दाव पे लगा दो, और अगर तुम उस टॉस में हार जाओ और दोबारा से बिल्कुल बिगनिंग से तुम फिर से शुरुआत करो, और अपने इस हार के बारे में, अपने इस लॉस के बारे में तुम कुछ भी मत बोलो, तुम इसका कुछ भी जिक्र ना करो। If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. Sinew means tendon, a type of tissue connecting the muscle to the bone. एक तरह का tissue जो कि muscles को bone के साथ connect करके रखता है, उसे sinew कहते हैं। तो इन lines में poet कहते हैं कि अगर तू अपने हार्ट को, अपने नर्व को, अपने सिन्यू को फोर्स कर सको उस वक्त जब तुम्हारे अंदर कुछ भी स्ट्रेंथ ना हो, कोई ताकत ना हो, कोई एंथुजियाज्म ना हो, सिर्फ तुम्हारे अंदर उस वक्त एक चाह हो जो कि तुम्हारे हार्ट से, तुम्हारे नर्व से, तुम्हारे सिन्यू से ये कहे कि होल्ड ऑन, मींस हार मत मानो, डटे रहो और खड़े रहो। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि अगर तुम बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हो, बहुत सारे लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो अगर उसके बाद भी तुम अपने वर्च्यू को, मीन्स अपने नैतिक गुणों को बरकरार रखते हो, तुम्हारे अंदर के जो वर्च्यू है, तुम्हारे जो नैतिक गुण है, तुम उन्हें बरकरार रखते हो, उन्हें खोते नहीं हो, और वॉक विद किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, और अगर तुम राजाओं के साथ भी चलते फिरते हो, मीन्स बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी तुम्हारा उठना बैठना है, तो भी अगर तुम अपने कॉमन टच को नहीं लूज करते हो, मीन्स तुम्हारे अंदर की जो कॉमननेस है, तुम्हारी जो सादगी है, डाउन टू अर्थ वाला नेचर है, उसे अगर नहीं लूज करते हो, इफ नादर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, और इफ नादर फोज, फोज मीन्स एनिमी। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि अगर ना ही तुम्हारे एनिमी और ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, और अगर बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लोग जो हैं वो तुम्हारे पर डिपेंड हैं, बट नन टू मच, बट बहुत ज्यादा नहीं। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड व्हिच इज मोर, यू विल बी अ मैन माय सन। तो इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि अगर तुम अनफॉरगिविंग मिनट को 60 सेकंड से फील कर सकते हो, यहां पर पोएट ने मिनट को अनफॉरगिविंग इसलिए कहा है क्योंकि टाइम जो है वो अनफॉरगिविंग ही होता है, वो किसी को माफ नहीं करता। वक्त एक बार गुजर जाता है तो गुजर जाता है, वो लौट कर वापस नहीं आता है। तो इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि अगर तुम एक मिनट को 60 सेकंड से फील कर सकते हो, मींस अगर तुम
एक मिनट में जो 60 सेकंड्स होते हैं उसके हर एक सेकंड की कीमत को समझते हो, अगर तुम समझते हो कि वक्त जो है वो कितना ज्यादा प्रेशियस है, कितना ज्यादा कीमती है, और अगर तुम हर एक सेकंड को काम में लाते हो, मतलब एक भी सेकंड जो है वो बर्बाद नहीं करते हो, हर एक सेकंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हो, वक्त की कीमत को समझते हो, तो ये जो अर्थ है वो तुम्हारा है और इस अर्थ पे जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सब तुम्हारी हैं। एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माय सन। और अगर ये सभी चीजें तुम अपने लाइफ में करते हो तो तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, एक अच्छे आदमी बनोगे, माय सन। सो दैट्स ऑल। होप आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.